हाय फ्रेंड्स, जीत रंगोली में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिएगा आज एक नया हैप्पी न्यू ईयर स्पेशल रंगोली बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पर एक मोर के डिज़ाइन बनाना है, तो ड्रॉ करना है मोर। कुछ पंख इस प्रकार डिजाइन रहेगा। अब अंदर कलर भरेंगे मोर के अंदर। सबसे पहले ब्लू कलर भरेंगे, लाइट वाला। फिर थोड़ा जो डार्क ब्लू है वो डार्क ब्लू से शेड करेंगे जैसे। और इनको मिक्स करने के लिए जो लाइट ब्लू और डार्क ब्लू को मिलाना है और फिर और से मिक्स करना है कलर को। जब अपने को और डार्क करना है तो जो डार्क ब्लू था उसमें थोड़ा सा ब्लैक मिलाइए तो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। यहाँ पर अल्टरनेट दो कलर यूज करेंगे, डार्क ब्लू और पिंक कलर। आंखें बनाना है। सबसे पहले जो व्हाइट रंगोली से वो शेप बनाना है आंखें के, और ब्लैक कलर से ऊपर के लाइनिंग बनाना है, और अंदर जो हाफ सर्कल हो पहले ब्लैक से करना है, उसके बीच में थोड़ा सा ब्लू कलर डालना है और फिर ब्लैक, और एक छोटा सा वाइट रंगोली से डॉट देना है ताकि जो आंखों का चमक है वो दिखे वहाँ पर। यहाँ पर पंख के अंदर ऑरेंज कलर भर दिए। अब कलर भरने के बाद एक बार फिर से व्हाइट रंगोली से उनका आउटलाइन फिनिशिंग करेंगे। यहाँ पर कुछ डॉट बनाएंगे, डॉट के लाइन। नीचे इस पर का थोड़ा सा डिजाइन बना देंगे और उसके अंदर रेड कलर फिल करेंगे। अब यहाँ पर मोर पंख के डिजाइन आएगा ऊपर। और साइड में इस प्रकार के डिजाइन बनेगा। तो जो मोर की जो हेड है, हेड के पीछे जो यहाँ पर जो डिजाइन बनाया है, जो लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन भरे हैं, तो ये जैसे मोर की जो कलर था ब्लू, तो अपने को देखना है कि वो ब्लू को डिस्टर्ब ना करे कलर, इसलिए जो कूल कलर है, जैसे ये ग्रीन कलर एक कूल कलर में आता है, तो ये कूल कलर यूज़ किया वहाँ पर, ताकि जो हमारा जो मोर के जो कलर है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। यहाँ पर यदि हम अलग कलर यूज़ किया रहता तो वो जो डिस्टर्ब किया रहता कलर। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन सा कलर कहाँ पे अच्छा दिखेगा। जैसे यहाँ पर ब्लू यूज़ किए, ग्रीन, येलो, पिंक, तो इसलिए हमने जो बीच में जहाँ पे हम हैप्पी न्यू लिखेंगे वहाँ पर रेड कलर यूज़ किए, और रेड कलर के ऊपर यदि हम वाइट से लिखेंगे तो ज़्यादा उड़ के दिखता है वो, रेड कलर के ऊपर वाइट कलर, इसलिए वहाँ पर रेड कलर यूज़ किए बीच में। और ये जो जो डिज़ाइन है ये पीछे पंख के, यहाँ पर अलग अलग कलर यूज़ किए, जिससे क्या होगा, जो हमारे जो रंगोली का जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर यदि हम एक ही कलर यूज़ किया रहता तो वो मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ पर डिज़ाइन है इसलिए हम चार पांच कलर यूज़ कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर तीन चार कलर यूज़ किए तो वो क्या दिखने में थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और फिर यहाँ पर मोर पंख के जो जो कलर रहता है, पहले ब्लू कलर, उसके अंदर जो हार्ट शेप में डार्क ब्लू, और डार्क ब्लू में भी थोड़ा सा ब्लैक यूज़ करना है वहाँ पर। उसके बाद आता है कत्था कलर के स्टेप, उसके बाद है लाइट ग्रीन और फिर डार्क ग्रीन। बस ये स्टेप फॉलो करेंगे तो अपने जो मोर पंख का है जो इफेक्ट है वो दिखेगा वहाँ पर।
और वो बढ़िया दिखता है ये मोर पंख के जो कलर है कॉम्बिनेशन। और ये डार्क लाइट से कुछ लाइनिंग बनाना है और यहाँ से डॉट से डिज़ाइन बनाना है साइड में। और ये जो डॉट बना रहा हूँ ये जो नारियल के खाली डब्बा है नारियल तेल के जो हम यूज़ करते हैं घर पे उनको गले की तरफ से काट के वो ट्यूल बनाएं, ये बढ़िया डॉट बनता है इससे। इसके बाद जो बीच में खाली जगह ऊपर हैप्पी न्यू ईयर लिख देंगे। ये जो मोर के माथे पे जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन बना देंगे, गले में कुछ डिज़ाइन बनाएंगे, वो छूट गया था बाद में बनाए उसको। तो इस प्रकार एक सुंदर सा छोटा सा यूनिक रंगोली हम बना सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर में। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन को दबा के लाइक कर दीजिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइब के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा लीजिए जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और एक सुंदर रंगोली के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।